मैं ऐसे 12 साल के बाद आते ये सिंधु नदी बृहस्पति ग्रह का जन्म स्थान है। अच्छा, इसलिए यहाँ आइम एक आइम बोल के तीर्थ है, आइम उसका तीर्थ का नहीं आया, कहते हैं कि उस तीर्थ का जो भी पानी पीता और आइम एक बार पीता तो सिद्ध देखिए कि उसको मैं विद्वान बना देती हूँ, मूर्ख नहीं रहता, मूर्ख और एक शुक्ल तीर्थ है, शुक्ल तीर्थ को भी वैसा ही कितना भी काला आदमी शुक्ल तीर्थ में स्नान करें, भैंस गोरी हो गई बोले तो अब उसके ऊपर से बता सकते हैं ब्राह्मण के शाप से हो तो वो महत्ता कब लोगों को मालूम यहाँ तीर्थ यहाँ से 16 किलोमीटर अपने हिसाब से यहाँ से 16 किलोमीटर एक ब्राह्मण को पुत्र नहीं होते रहता तो पुत्र होने के लिए प्रार्थना करता, हमारे जीकों को पुत्र कामिष्टि यज्ञ करता सब करके बुलाता सभी को, पुत्र कामिष्टि ब्रह्मा ब्रह्मा के साथ सब लोग बैठे रहते हैं तो ये ठंडी के कारण उन्होंने जो सामवेद का मंत्र बोल रहे थे ठंडी के कारण उसका वो स्वर इधर उधर हो जाता। तो ब्राह्मण क्या बोलता मूर्ख है तू ऐसा बोलते क्या बोलते तू बोलने से पहले विचार करना था या ठंडी है मेरा ये नहीं हो रहा वरना हाँ। कि इसको बिना समझे मेरे को मूर्ख होता तेरे को जन्म लेने वाला पुत्र मूर्ख हो जाता हो हाँ। अरे उन्होंने बोला उन्होंने बोलता कि अरे ये क्या जिंदगी है रे भाई मूर्ख पुत्र पैदा होने से भी नहीं होना अच्छा तू ऐसा श्राप दे दिया इतना यज्ञ करा भाई इतना करा तू श्राप दे दिया तो अब इसका कैसा होना गल भू बोल के रुचि रहते उन्होंने श्राप दे देते यज्ञ करता रहते मैं बोला था तुम्हारा स्वर गलत हुआ बोल के मैं बोला तुम इतना एकदम साफ दे गए साफ तो उत्सव दोनों प्रार्थना पैदा होने के बाद उन्होंने बोलता उसके तपस्या के देखकर उन्होंने हुशार हो जाता लेकिन पैदा होने के बाद उसको 4 साल 8 साल तक देश वासना में तो एक अक्षर भी नहीं मिला सब लोग अपमान करते थे बाप का अपमान करते थे तो उन्होंने वहाँ से चलते हुए सिंधु नदी के तीर करा था आखिर मूर्ख जीवन से भी अच्छा है मर जाना अच्छा है तो पहली बार एक ऋषि जाते रहते उसका पशु भाग के रहता उन्हें जो से आए आए उन्होंने डेली शब्द चंडी के रूप में वहाँ से जाते रहते महालक्ष्मी महाषण महाकाल चंडी के रूप में जाते रहते ऐ ऐ बोलते सके ऐ का बोलते बोल सके कल पुकार रहा मेरे को बोलती देवी अब कौन ही नहीं दिखे मैं ऐसे एक मूर्ख ब्राह्मण हूँ यहाँ आया तो वहाँ माता मार्के अपनी सरोवर सृष्टि करती इसमें का पानी पीते 4 वेदों को इसी समय बोलते इसको ऐन तीर्थ बोलते यहाँ है और एक शुक्ल तीर्थ है शुक्ल तीर्थ के बारे में क्या कहा जाता है कि एक ब्राह्मण रहता तो धोबी ब्राह्मणों के कपड़े रोज धोते रहते जो कि उनको अच्छा यज्ञशाला को भी तो गलती से क्या होता है नील गाय रहती है नील गाय इधर ज़्यादा दिखते नील गाय बोलते यहाँ जो यैक सब जो बोलते वो नील गाय वो पानी में नहा लेते हैं ताकि वो पानी ब्लू हो जाए जो धोती है वो खोल के रहते हैं वो ब्लू हो यज्ञ को भेज देना कर दूसरे दिन यज्ञ को सफ़ेद धोती भेज देना और ब्लू हो गए ब्राह्मण वो धोबी घबरा जाता अगर गया तो ब्राह्मण श्राप दे दे कि मेरे को ख़त्म कर दे इससे अच्छा है भागना श्राप खा के रहने से भी नहीं है बोलते बोल दिए तो अच्छा रहता अपन चले जाना ही अच्छा है भागते रहता तो उसकी बेटी देती उसकी बेटी की एक फ्रेंड रहती ब्राह्मण की पुत्री तो उन्होंने बोलते कि हमारे पप्पा यहाँ से चले जा रहे हैं हमारे पिताजी भी चले जा रहे हैं क्या कारण है पिताजी भी बोले नहीं लेकिन कुछ गलती हो गई ब्राह्मणों के बारे में कपड़े जैसे की गलती हुई देने से अच्छा है ब्राह्मण के हिसाब से भी अच्छा चले जाना अच्छा है कि बोल तो बोल क्या हुआ था बोलते कि ऐसा वो नील का स्नान करने से पूरा नीले हो गया और कल एक निशाना में ब्राह्मणों को भेजना है अरे इसमें करने क्या बात है उसके सामने एक शुक्ल तीर्थ है मैं तुम्हारा तुम्हें बताती हूँ
वहाँ भैंस भी जाकर स्नान करती है तो भैंस गोरी हो गई, तेरी धोती की धोती जाओ। तो उन्होंने ऐसा है क्या जाएंगे तो ले जाके धोती जैसे बड़ा तो कितने स्वच्छ होते वो धोती बनना। दूसरे दिन सुबह सुबह जब ब्राह्मण प्रश्न किया, अरे तू इतनी अच्छी धोती कहाँ से लाया, इतना स्वच्छ करके कहाँ से लाया। शुक्ल की होता है सब ब्राह्मण वहाँ पूजा करने जाते। तो वो धवल तीर्थ माता सरस्वती का स्नान किया हुआ है और ये अयम तीर्थ चंडी का बोला है। ये मूर्खों को विद्वत्ता देता वो काले आदमी को स्वच्छ धवल ब्रह्मात्मी शारदा की वैसा उतना स्वच्छ कर तो दोनों तीर्थ यहाँ से 18 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। मुसलमानों के सब स्नान करके उसमें एक तो एक तरीके मालूम है अपने पास एक नदी है, अपन ये पढ़ते समय बोलते हैं गंगा सिंधु यमुना सरस्वती चरमणवती जो अमेरिका चरमणवती बोल के एक नदी है। वो चरमणवती नदी की उत्पत्ति कैसे हो वो कहाँ है उनसे पूछो। एक क्षत्रिय राजा अश्वमेध याद करते हुए अपनी चमड़ी रोज अपनी चमड़ी को अर्पण करता। अश्व का चमड़ी देने से पहले भी ऐसा नहीं देना बलि बोलते अपनी चमड़ी दे। तो उसके वो चमड़ी निकाल के वो चमड़ी का ढेर बन जाता है। ढेर बना गए तो वो वहाँ देख के ये सब क्या है इतना सब यहाँ बोलते। तो राजा हवन करते समय घोड़े की अश्व मेरे अपने अश्व को नहीं देना बोलते अपना चमड़ी से है क्योंकि तो इतना पवित्र है। तो उस चर्म से जो निकला हुआ पानी है वो चरमणवती नदी के नाम से ऐसा देवी भागवत में कहा गया पड़े हैं वो भी यहाँ पे चरमवती।